हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करवाई थी जो इंडिया के पॉपुलेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे उसमें, और इंडिया के मैप से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो उस वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊंगी, तो आज वो डिटेल्ड वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हम आज से जियोग्राफी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक डिटेल्ड तरीके से हर बेसिक जो है उसका क्लियर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें पता है आपकी स्क्रीन पर इंडिया का मैप आपको शो हो रहा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के टोटल एरिया की, कि इंडिया में टोटल एरिया कितना है। तो इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये मतलब हमारे जो एशिया है, एशिया में इंडिया किस रैंक पे आता है, इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग एशिया में इंडिया कौन से नंबर पे आता है। तो एशिया में इंडिया आता है 7th नंबर पर, ठीक है, यानी कि 7th लार्जेस्ट जो कंट्री है एशिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारी इंडिया ही है। पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, एरियाज के अकॉर्डिंग, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, तो हमने एरिया वाइज तो देखा कि हमारी इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में इंडिया का सेकंड नंबर है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, चाइना में है, और सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है, तो वो इंडिया में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया इंडिया कवर करता है। तो वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर कर लेता है। तो इतने कंसेप्ट जो थे हमें बेसिक याद रखने हैं। अब क्या है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन कितनी है इंडिया की, यानी कि अगर नॉर्थ साइड से और साउथ साइड तक देखा जाए तो इंडिया की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो देखिए, नॉर्दर्न मोस्टन जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा, मान लो हम मान लेते हैं कि वो कश्मीर है, ठीक है, और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो कौन सा मान लेते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के मध्य में ठीक है, अगर हम डिस्टेंस देखें, लेंथ देखें इंडिया की, तो वो कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 3200 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 3200 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वेस्ट टू ईस्ट कितनी जो है डिफरेंस है, कितना एक्सटेंट जो है, कितनी डिफरेंस है, मतलब चौड़ाई कितनी है इंडिया की। तो अगर हम देखें कि वेस्ट में कच्छ से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक कितनी जो है विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई है हमारे इंडिया की, तो वो है 2900 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ। अब इस कंसेप्ट से हमें यह भी पता चल गया कि जो इंडिया की जो लेंथ है वो क्या है, वो ज़्यादा है ब्रेथ से, यानी कि इंडिया की जो ब्रेथ है वो कम है और लेंथ कितनी है, ज़्यादा है। लेंथ की हमने बात की तो कितनी थी, 3200 किलोमीटर, एंड ब्रेथ कितनी थी, 2900 किलोमीटर्स। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाले कंसेप्ट पर, यानी कि अक्षांश व देशांतर वाले कंसेप्ट पर हम आते हैं, ठीक है। तो क्या है, अभी मैंने एक ग्लोब ड्रॉ कर दिया है। अब इस ग्लोब में क्या है, इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। इमेजिनरी लाइंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने हैं, हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हमें याद रखने के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इमेजिनरी जो लाइंस है वो बना ली है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, कहीं भी हम जा सकें तो वहाँ की लोकेशन का हमें पता चल जाए। तो अभी जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, तो ये लेटी हुई लाइंस हैं। लेटी हुई लाइंस मतलब लैटिट्यूड, ठीक है, लेटी हुई लाइंस का क्या मतलब हो गया, लैटिट्यूड। और अगर खड़ी लाइंस है, ठीक है, यानी कि वर्टिकल लाइंस है, तो वो उसका क्या मतलब हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हॉरिजॉन्ट जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या हो जाएंगे, हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगी। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट यही था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होती है, हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारी कौन सी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अब देखिए क्या है कि हम देखते हैं कि हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। तो क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का वो है 68 degrees 7 minutes to 97 degrees 25 minutes
ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि देखिए ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 68 degree 7 minute ईस्ट और ये कितना है 97 degree 25 minute ईस्ट। क्या है, इसे तो हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट से। अब दोनों ही जगह मैंने ईस्ट ईस्ट लगा दिया है, वेस्ट क्यों नहीं लगाया। अब देखिए वेस्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर हम ग्लोब पर देखें, ठीक है, ग्लोब पर देखें तो जो हमारा इंडिया है ना वो किस साइड लाई करता है, तो जो हमारा इंडिया है वो लाई करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। किस हेमिस्फेयर में लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अभी हेमिस्फेयर वाला थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या कंसेप्ट है इसका, इसका कंसेप्ट इतना ही है कि अगर मैंने एक ग्लोब ड्रॉ कर दिया है और उसको क्या है बीच से कौन सी लाइन पास होती है, 0 degree इक्वेटर लाइन, ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया कौन सा हेमिस्फीयर हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला एरिया कौन सा हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इंडिया यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया कौन से पार्ट में, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करेगा, इंडिया लाई करेगा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हम क्या लेते हैं, ईस्ट की लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब अगर बात करते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितनी है इंडिया की, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 degree 4 minute नॉर्थ टू 37 degree 6 minute नॉर्थ। अब इसमें भी नॉर्थ का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमने नॉर्थ नॉर्थ जो है लिए हैं। तो इतना हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़। तो इंडिया की जो टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कितनी है स्टूडेंट्स, तो इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ तो 9 है, ठीक है। अगर बात कर लें कि ज़मीनी रूप से, ठीक है, जो लैंड एरिया से कनेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, तो वो है 7, ठीक है। यानी कि हमारी सीमा दूसरे राज्यों के साथ लगती है तभी नेबरिंग कंट्रीज़ हो जाती हैं, जिनके साथ हमारे लैंड के भी रिलेशन है तो वो हो जाती हैं हमारी लैंड से रिलेटेड नेबरिंग कंट्रीज़। तो जो ज़मीनी रास्ते पे, ठीक है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, 7 है लैंड नेबर्स। और अगर बात कर लें आइलैंड नेबर्स यानी कि जिससे हमारे वाटर रिलेशन हैं, तो वो कौन सी हैं, वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आइलैंड ग्रुप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या है, ये हमारे नेबर्स की बात थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये नेबरिंग कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इस साइड तो है हमारा पाकिस्तान, ठीक है, उसके अबव जो है वो है हमारा अफ़गानिस्तान। इतना जो एरिया है वो किस कौन सा हो जाता है, नेपाल का। इतना जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो एरिया लग रहा है वो कौन सा है, भूटान का एरिया। बांग्लादेश जो है किसके साथ टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल से, तो ये बांग्लादेश की बाउंड्री हो गई। और फिर म्यांमार, म्यांमार कहाँ है, म्यांमार इस साइड में लाई करता है। आइलैंड ग्रुप्स कहाँ पर है, आइलैंड ग्रुप्स तो सभी को पता ही होगा, ये जो है ये हमारा श्रीलंका है। और मालदीव्स कहाँ है, मालदीव्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 degree 2 hour टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हमने पीछे वाली जो वीडियो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया का वो कितना है, तो वो था 68 degree 7 minute ईस्ट टू 97 degree 25 minute ईस्ट था, ठीक है। अगर 97 इसमें से अपने इसको माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, लगभग हमारे पास 29 टू 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। अब इतना जो है डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसलिए क्या है, ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं और वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं इन दोनों में टाइम लैग आ जाता है, टाइम डिफरेंस आ जाता है। और ये टाइम डिफरेंस टोटल कितने टाइम का है, तो 2 घंटों का जो है टाइम डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। अगर जो है क्या है कि ईस्टर्न स्टेट्स में यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाली साइड जो है 2 घंटे जो सूरज जल्दी उदय हो जाता है वेस्टर्न के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न में और ईस्टर्न में 2 घंटों का क्या है डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से।
तो इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इतना सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए क्या है, हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए थी जिससे क्या है हम पूरी कंट्री का जो टाइम है सिमिलर लग पाएँ। तो हमने जो जिस एक टाइम को एक रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, तो वो रेफरेंस लाइन कौन सी है, तो वो है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी एक रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है, और इसका कितना है टोटल, तो ये है 82° 30' ईस्ट जो है इसकी एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूड है ना, इसलिए 82° 30' ईस्ट है। और इस ये जो रेफरेंस लाइन है ये हमारे इंडिया से ही पास आउट होती जाती है, और टोटल ये कितनी स्टेट से पास आउट होती है, तो इंडिया से ये टोटल 5 स्टेट से जो है पास आउट होती है। और पिछली वीडियो में एमसीक्यू वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो कहाँ से किसके मध्य से पास होकर जाती है, तो मिर्ज़ापुर से जो है क्रॉस होते हुए चली जाती है। तो ये बात थी हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जोन जो है टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इस पर जो टाइम होता है वही हम किस क्या मान लेते हैं, हमारा इंडिया का टाइम मान लेते हैं। और इसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी मेजरमेंट को हम बोल देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब वो पांच राज्य कौन से हैं जिसमें से ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है पास होती है, तो वो पांच राज्य है यूपी, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये थे वो पांच राज्य जहाँ से जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो है इंडिया पास होती है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है, हमने जियोग्राफी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है, इसी तरह हम और भी जो सब्जेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, जियोग्राफी की सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो ये था हमारी जियोग्राफी सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।